लौकी कोफ्ता। लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए 200 ग्राम लौकी को छीलकर कद्दूकस कर लें। मध्यम आंच पर एक कढ़ाई या पैन में तलने के लिए कुकिंग ऑयल गर्म होने को रख दें। जब तक तेल गर्म होता है कोफ्ते तैयार कर लें। कद्दूकस की हुई लौकी में 1.5 या 2 बड़े चम्मच बेसन के मिला दें। इसी में 1 चुटकी खाना सोडा, 1/4 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच कटा हुआ ताज़ा हरा धनिया और अंत में बारीक कटी हुई 1 हरी मिर्च भी डाल दें। हरी मिर्च डालना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, चाहें तो डालें या न डालें। मिश्रण को अच्छे से मिलाएं और फिर थोड़े थोड़े मिश्रण से गोलाकार या अंडाकार कोफ्ते बना लें। इन लौकी के कोफ्तों को सावधानी पूर्वक गर्म तेल में डाल दें और 6 से 8 मिनट तक तलें। इनको तलते समय पलटते रहें जिससे ये सब ओर से सुनहरे भूरे हो जाएं। सुनहरा होने तक तलें, फिर इन्हें एक चलने की सहायता से पेपर टॉवल से ढकी प्लेट पर निकाल लें जिससे अतिरिक्त तेल हट जाए। इन्हें साइड में रख दें। अब एक कढ़ाई या पैन में 2 बड़े चम्मच तेल या घी मध्यम आंच पर गर्म करें। इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा डाल दें और जीरा तड़कने पर कद्दूकस किया हुआ 1 मध्यम आकार का प्याज डाल दें। मिलाते हुए 5 से 7 मिनट पकाएं या जब तक प्याज भूरे ना हो जाएं। अब इसमें 1 छोटी चम्मच अदरक पेस्ट डाल दें। यदि चाहें तो लहसुन पेस्ट भी डाल दें। आवश्यकता होने पर 1 छोटी चम्मच तेल या घी और डाल दें। अच्छी तरह मिलाते हुए 2 या 3 मिनट तक भूनें या जब तक अच्छी तरह खुशबू ना आ जाए। अब इसमें 1/4 छोटी चम्मच या स्वाद अनुसार पिसी लाल मिर्च, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच या स्वाद अनुसार नमक, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला डालकर थोड़ा पानी मिला दें जिससे मसाले जलने ना पाएं। अच्छे से मिलाते हुए 1 या 2 मिनट और पकाएं, फिर इसमें 1/4 कप दही डाल दें। मिलाते हुए 3 से 4 मिनट तक पकाएं। फिर इसमें 2 या 3 लंबाई में कटी हुई हरी मिर्च डाल दें। मिलाते हुए पकाएं जब तक मिश्रण चिकनाई न छोड़ दे। अब इसमें 1.5 कप या तरी के गाढ़ेपन की इच्छा अनुसार पानी डाल दें। अच्छे से मिलाकर 3 से 4 मिनट पकने दें। अब इसमें तले हुए लौकी के कोफ्ते डाल दें। अच्छे से मिलाते हुए 2 से 3 मिनट और पकाएं। ऊपर से कटा हुआ ताज़ा हरा धनिया डालकर कढ़ाई या पैन को ढक दें और आंच बंद कर दें। गर्मा गर्म लौकी के कोफ्ते नान, रोटी या पराठे के साथ परोसें, आनंद लें। ऐसे और रेसिपी वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल मुफ्त है।